छाता में 26 को विराट विप्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में विराट विप्र एकता सम्मेलन का आयोजन आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित दिल्ली दरबार में 26 फरवरी को किया जाएगा, जिसमें मथुरा जनपद के समस्त विप्र एवं समस्त संगठन अपने दल बल के साथ सहभागिता करेंगे। वही इस संबंध में छाता गोवर्धन स्थित कैला देवी मंदिर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने जानकारी देते बताया कि विराट विप्र एकता सम्मेलन की समायोजन का उद्देश्य समस्त ब्राह्मणों को इकट्ठा करने को किया जा रहा है। वही इस ब्राह्मण सम्मेलन में आरक्षण की कुरूतियों को समाप्त करने, SC ST एक्ट का गलत दुरुपयोग करने को लेकर जनपद मथुरा के सभी ब्राह्मण चर्चा करेंगे। इस विप्र एकता सम्मेलन में लगभग 1 लाख से ऊपर ब्राह्मणों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। पदाधिकारियों ने हमारी कार्यकारिणी विप्र एकता सम्मेलन सफल बनाने के लिए जी जान से रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी होने वाले विराट विप्र एकता सम्मेलन के बारे में प्रेस वार्ता की। गोपीनाथ तिवारी, मथुरा, समाचार 24। जी बताइए, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे लोग, जो ये कह रहे हैं आप इस तरफ से कि जैसे चुनाव की वजह से कराया जा रहा है? देखिए, ये जो सम्मेलन हो रहा है ये पूरे क्षेत्र का हो रहा है, इसमें मथुरा जिला पूरा से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, हाथरस से भी आ रहे हैं। तो इसमें चुनाव का कहाँ से आ गया भाई? चुनाव का इससे क्या लेना देना? चुनाव में पर्टिकुलर जगह का होता है ना भाई, विधानसभा के चुनाव है नहीं, और चुनाव केवल जो है कहा नगर पालिका होगी, तो नगर पालिका तो कोसी होगी। अब मैं कोसी करा रहा हूँ तो कोसी नगर पालिका से चुनाव से क्या लेना देना है? वोट लोग आ रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये सम्मेलन बिल्कुल राजनीतिक है, इसमें हम हर राजनीतिक लोग को जो ब्राह्मण है, चाहे वो सपा का है, चाहे बसपा का है, चाहे भाजपा का है, चाहे किसी अन्य दल का है, हम सबको निमंत्रित कर रहे हैं और आ रहे हैं। इसमें श्याम सुंदर शर्मा जी आ रहे हैं, श्रीकांत शर्मा जी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है, राजकुमार रावत ने भी दे दी है, और देवेंद्र शर्मा जो है का राज्य मंत्री का इस तरह वो भी आ रहे हैं, तुलसीराम शर्मा सपा से आ रहे हैं। तो इसमें पर चुनाव कहाँ रह गया? ये तो हम अपना आत्म मंथन कर रहे हैं कि ब्राह्मण एक कैसे हो सकते, हमने कभी इस बारे में विचार नहीं किया, केवल ये कह रहे एक हो, एक हो, हम ये चाहते हैं कि एक हो कैसे, तो उस पर चर्चा करेंगे। हम क्या कमी है, लोगों लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा करके देखना चाहते हैं उस बात का हमारा कितना असर होता है, हमारे लोग उस बात को स्वीकार करते हैं नहीं करते, इन सब बातों पर चर्चा हो। क्या किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहेगा इस सम्मेलन में? नहीं, हम अपनी चर्चा करेंगे, मतलब आत्ममंथन है, यही आत्ममंथन है कि हम एक कैसे हो सकते हैं, हमारे अंदर क्या कमी, लोग अगर ब्राह्मण एक हो नहीं सकता है तो हमारी कैसी क्या कमी है भाई, हम दूसरे के आश्रित इसलिए तो कब तक आश्रित रहेंगे, एक का मतलब क्या होता है? तो हम इसलिए इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग ऐसा है क्या, आप किसी के आश्रित नहीं लेंगे, भूखे मर जाएंगे? कितने लोग हैं, 1% होंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर मथुरा वृंदावन को छोड़ दिया जाए तो 1% होंगे, गाँव में कहाँ है, एक एक पंडित ना मिला दूसरे गाँव चलाने पर आप। तो हम लोगों से कहते हैं कि तुम अपने सम्मान की रक्षा तो करो, केवल इसीलिए हमको जो है अरे भवन कहा है, इनको कहा है, हमारे खिलाफ है जो किसी से जाति सुनते हम तो कोई कर चुके हैं, तो हम ये कहते हैं तुम अपने आप को कोशिश करो सुधार, वो कैसे सुधर सकते हैं चर्चा करो, विचार करो, बस ये है, और विचार करना है, मंथन करना है, उस मंथन में क्या सफलता मिलेगी ये आप देखोगे, सफलता मिलेगी ना मिलेगी, अच्छा प्रयास करना हमारे काम, हम प्रयास करते रहे। नोएडा पुलिस